हेलो गाइस, मैं हूँ के केजेड। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के केजेड ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड विंडोज़ के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि डॉस और विंडोज़ में क्या डिफरेंस है या फिर क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो मैंने एक टेबल तैयार किया है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यदि हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इसके डेफिनेशंस की बात करें, तो डॉस स्टैंड फॉर ए डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो आपका डॉस है वो डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यदि हम विंडोज़ की बात करें तो विंडो स्टैंड फॉर ए विंडोज़, नो स्पेसिफिक फॉर्म। ठीक है, विंडोज़ को और किसी नाम से नहीं जाना जाता है, या फिर इसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, ये ओनली विंडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ऑपरेट करता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यदि हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें, टास्किंग नेचर पे यदि बात करें, तो डॉस इज ए सिंगल टास्किंग ओएस। ठीक है, जो आपका जो एमएस डॉस है वो बेसिकली सिंगल टास्किंग ओएस है, मतलब ये एट ए टाइम में सिर्फ एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब ये सिंगल टास्क को परफॉर्म करेगा एट ए टाइम पे। ठीक है, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, और यदि हम विंडोज़ की बात कर लें, तो विंडोज़ इज अ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब विंडोज़ में आप मतलब मल्टीपल ऑपरेशन को टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे जैसे आप यदि डॉस पे, यदि मैं इसका डॉस का कमांड प्रॉम्प्ट की बात करूँ, तो डॉस पे यदि आप एक फोल्डर बना रहे हो, तो आप एक फोल्डर ही बनाओगे, एट ए टाइम कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कमांड देना पड़ता है। ठीक है, जबकि विंडोज़ में आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि यदि मैं एट ए टाइम में, देखिए, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 सेकेंड यहाँ पर मैं इसको एंड करूँगा, उसके बाद अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आपके पास जो यहाँ पर मैं CMD टाइप कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसमें एक ही काम कर सकते हो। यदि मैं कहीं पर फोल्डर बनाना चाहूँ तो मैं फोल्डर बना सकता हूँ यहीं से डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन एक ही काम को परफॉर्म करूँगा एट ए टाइम में, सिंगल टाइम में। ठीक है, लेकिन विंडोज़ में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विंडोज़ में आप देख रहे हो कि आपके पास एक विंडो इंटरफेस है, यहाँ आइकन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं कितने चीज़ों को, कितने भी टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी PPT भी ओपन है, मेरी वर्ड फाइल भी ओपन है, ब्राउज़र भी ओपन है। ठीक है, मेरी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी ओपन है, और मैं इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर भी ओपन किया हुआ, मतलब डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। जबकि एमएस डॉस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसमें एट ए टाइम में सिंगल टास्क को परफॉर्म करोगे, एंड देन आप विंडोज़ में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड में अगेन। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें, पावर कंज्यूम्पशन की, तो डॉस कंज्यूम क्यूट लो पावर। ठीक है, मतलब ये कंज्यूम करता है लो पावर को। ठीक है, डॉस ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें जब इतने सारे टास्क परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो ये बेसिकली लो टास्क को ही, मतलब लो पावर को ही कंज्यूम करेगा। ठीक है, विंडो कंज्यूम हाई पावर। ठीक है, विंडोज़ में मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो ये क्या, ये इसे टास्किंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ये लो हाई पावर को कंज्यूम करता है। ठीक है, यदि मेमोरी कंजप्शन की बात कर लें, तो डॉस मेमोरी रिक्वायरमेंट आर द क्विट लॉस। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी भी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को के इंस्टॉलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी लो होती है। ठीक है, मतलब उसके लिए बहुत ही लो रिक्वायरमेंट पे भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर जाता है, या फिर इंस्टॉलेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जो रिक्वायरमेंट है वो हायर है कंपेयर देन किसके, डॉस के। ठीक है, क्योंकि जो विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉलेशंस के बाद, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कि विंडोज़ में क्या होता है। विंडोज़ में जो मेरे सी ड्राइव पे जितनी भी फाइल हैं विंडोज़ 10 की, मैंने यहाँ विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया हुआ है, तो देख सकते हो अप्रैक्सीमेट 20 GB का ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन होगा शायद इसका। ठीक है, यहाँ पर 20 GB का विंडोज इंस्टॉलेशन होगा, बाकी जो और भी जो दिख रहे हैं आपके पास, जो मेमोरीज या फिर जितने भी आपको यहाँ फील दिख रहे हैं मेमोरी के साइज़, वो आपके और भी मैंने जो एप्लीकेशन या जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं उसका है। ठीक है, तो हायर देन है किससे, डॉस से, क्योंकि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो हायर है किससे, एमएस डॉस से। ठीक है, इसकी जो जो इंस्टॉलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हायर होती है एमएस डॉस से। ठीक है, और अगेन हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, नेटवर्क, नेटवर्क सपोर्टिंग। ठीक है, जो एमएस डॉस हैज़ नो सपोर्ट फॉर नेटवर्क।
ठीक है, नेटवर्किंग सपोर्ट नहीं करता है एमएस डॉस। ठीक है, नेटवर्क होता क्या है? ठीक है, नेटवर्क जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं उस, और तो आपका क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। और उसमें जब हम कोई नेटवर्क से रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो आपकी नेटवर्किंग कहलाती है। ठीक है, आपके एमएस डॉस में सपोर्ट टेबल नहीं है नेटवर्किंग, ठीक है, लेकिन विंडोज़ में सपोर्ट है कौन सी? नेटवर्किंग। ठीक है, विंडोज़ में आपकी पूरी सपोर्ट है नेटवर्किंग। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, ये विंडोज़ की खासियत होती है। ठीक है, यदि हम 6 पॉइंट की बात करें, यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस, डॉस इज़ अ कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो आपका डॉस है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप देखते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट का जो विंडो ओपन होता है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन विंडोज़ क्या है? आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पास, मैं सीएमडी टाइप करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास एक ब्लैक विंडो ओपन होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट जो है ब्लैक एंड व्हाइट में ही आपका ये विंडो है। ठीक है, लेकिन आप यदि विंडोज़ की बात कर लें, विंडोज यहाँ पर देख सकते हो आइकन से मेरे पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर के आइकन से मैं जो भी चीज़ चाहूँ यहाँ से, मैं जैसे मुझे एक फोल्डर्स बनाना हुआ तो मैं यहाँ इजिली न्यू पे जाके एक फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यदि मुझे टेक्सचुअल फाइल बनानी हुई तो भी मैं यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके मैं एक फाइल बना सकता हूँ। ठीक है, यदि मुझे रिफ्रेश करना हो या कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, मैं जीयूआई के थ्रू इजीली से काम कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है, आपका डॉस कमांड प्रॉम्प्ट में आपको कमांड देनी पड़ती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कमांड आपको रिमेम्बर करने होते हैं, तभी आप उन टास्क को परफॉर्म कर सकते हो अपने सिस्टम या अपने मशीन पे। ठीक है, लेकिन आपका जो विंडोज़ है उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप इसमें इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो मल्टी विंडो। ठीक है, मल्टी विंडो पॉइंट में क्या आएगा? आपका जो डॉस सपोर्ट सिंगल विंडो एट ए टाइम। जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हो तो आपके पास एक सिंगल विंडो ही आपको दिखाई देता है। उसमें आपको इंस्ट्रक्शन पास करने होते हैं, एक कमांड पास करनी होती है, तब भी आप सिस्टम से वो काम करवा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसमें एक सिंगल विंडो ही होता है। लेकिन हम विंडोज़ की बात कर लें, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें, तो विंडोज सपोर्ट मल्टीपल विंडो एट ए टाइम। ठीक है, मतलब उसका बोलने का मतलब ये है कि आप डॉस में आप जब भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो आपके पास एक सिंगल विंडो आता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास मल्टीपल विंडो होता है, आपके पास मतलब एट ए टाइम में मल्टीपल विंडो को हैंडल करता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, जब भी मैं यदि मुझे इसको ओपन करना है, पीपीटी को ओपन करना है, तो मैं पीपीटी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे डॉस आपका एमएस ऑफिस फाइल को ओपन करना है, तो मैं मतलब मल्टीपल विंडो को हैंडल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो ब्राउज़र वाला विंडोज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं यदि इमेज एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा यहाँ फ्रंट विंडो पे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करता है? मल्टीपल विंडो को हैंडल करता है, मतलब एट ए टाइम में आप मल्टीपल विंडो के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने न्यू पॉइंट पे। स्पीड की बात करें, यदि हम हमारा जो पॉइंट है स्पीड के बारे में बात करें, तो डॉस कमांड एग्जीक्यूशन इज़ अ फास्टर देन विंडो। ठीक है, मतलब जो डॉस का जो एग्जीक्यूशन है वो फास्टर देन है किससे? विंडो से। बिल्कुल, क्योंकि आप एमएस डॉस पे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आप एट ए टाइम पे एक सिंगल टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो यदि सिंगल टास्क को परफॉर्म कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका जो एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन होगा वो बेटर देन होगा किससे? विंडो से। ठीक है, और यदि हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्लोअर हैज़ कम्पेयर टू डॉस, क्योंकि जो विंडोज़ होता है वो एट ए टाइम में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, उसे डिफरेंट विंडोज़ को हैंडल करना रहता है। ठीक है, मतलब उसके पास डिफरेंट टास्क आ सकता है। यदि मैं एट ए टाइम यदि एमएस ऑफिस पे काम आपका वर्ड पे काम कर रहा हूँ, यदि मुझे एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जाना है, तो क्या करते हैं वो अपने जो भी प्रायोरिटी उनको शेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, प्रोसेसर उनका काम करता है, तो क्या होता है मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते रहते हैं एक सिंगल टाइम पे। ठीक है, एट ए टाइम पे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते रहते हैं, इसलिए वो स्लोअर होता है किससे? डॉस से, क्योंकि डॉस में सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म करना रहता है, इसीलिए उसका जो एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन होता है वो फास्टर देन होता है किससे?
विंडोज़ से। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया इज़ नॉट सपोर्टेड इन डॉस, ठीक है। मतलब मल्टीमीडिया सॉल्यूशन क्या है, मल्टीमीडिया सॉल्यूशन है क्या इसका, मल्टीमीडिया मतलब आप जितने भी मल्टीमीडिया, जैसे हम बात कर लें MP3, MP4, वीडियोज़, ऑडियोज, ठीक है, ये सपोर्टेबल नहीं है किसमें, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं करता एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यदि हम यही चीज़ विंडोज़ पे बात कर लें, तो विंडोज़ सपोर्टेबल मल्टीमीडिया लाइक गेम्स, वीडियोस, ऑडियोस, ठीक है। मतलब आप विंडोज़ पे आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो और ऑडियोस भी देख सकते हो। तो ये विंडोज़ जो है आपका सपोर्टेबल है, क्या है, मल्टीमीडिया, ठीक है। और यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें माउस के बारे में, तो इट्स ओनली सपोर्टेबल कीबोर्ड्स, ठीक है। डॉस में आप कीबोर्ड के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हो, ठीक है। जब आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो, तो आप कोई कमांड कीबोर्ड से ही दे सकते हो, माउस से कुछ भी काम नहीं कर सकते एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। डिक्स, आपका जो डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसमें काम नहीं कर सकते हो माउस में, ठीक है। आपको कोई कमांड देनी है तो आप माउस से ही दोगे, इसीलिए माउस सपोर्टेबल नहीं है। ये ओनली सपोर्ट किसे करता है, कीबोर्ड को। लेकिन जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडो है, वो आपका सपोर्टेबल बोथ है, मतलब कीबोर्ड भी सपोर्ट करता है, आपका माउस भी सपोर्ट करता है, क्योंकि हम विंडो में दोनों तरह से काम करते हैं। यदि मुझे टाइपिंग करनी है तो मैं कीबोर्ड का यूज़ करूँगा, यदि मुझे किसी आइकन पे क्लिक करनी है तो मैं माउस का यूज़ करूँगा। तो ये दोनों दोनों पॉइंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। यदि हम 11th पॉइंट की बात कर लें, यूज़र, इट सपोर्ट सिंगल यूज़र, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो आपका डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसी सिंगल यूज़र को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब आप इसमें मल्टीपल यूज़र को हैंडल नहीं कर सकते, या फिर मल्टीपल यूज़र इसमें काम नहीं कर सकता, इसमें सिंगल यूज़र ही काम कर सकता है, ठीक है। इट सपोर्ट मल्टीपल यूज़र, मतलब ये मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट करता है। जो विंडो आपका है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है, वो मल्टीपल, आपका जो भी मल्टीपल यूज़र्स है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो फिलहाल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।